अगर आप पब या रेस्टोरेंट या होटल खोलना चाहते हो जिसमें लीकर सर्व करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको लीकर लाइसेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि लीकर लाइसेंस मिलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी तो एक साल लग जाता है। इस वीडियो में हम फ्रेश लीकर लाइसेंस पब्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हम देखेंगे, पूरा प्रोसेस स्टार्ट से एंड तक। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लीकर लाइसेंस के लिए आपको महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए। पहला है फॉरेन लीकर। सबको ऐसा लगता है कि फॉरेन लीकर मतलब इंडिया के बाहर से लाया गया हुआ लीकर, लेकिन ये गलत है। बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के हिसाब से फॉरेन लीकर मतलब हार्ड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे रम, विस्की, ब्रांडी, ये फॉरेन लीकर होता है। और इंडियन लीकर मतलब लोकली मैन्युफैक्चर किया हुआ लीकर, जैसे फेनी, टॉडी, देसी दारू, ये सब आता है। इम्पोर्टेड फॉरेन लीकर मतलब इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ फॉरेन लीकर। एक और टर्म है IMFL, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है आपको समझने के लिए। IMFL मतलब इंडियन मेड फॉरेन लीकर, ये वो हार्ड ड्रिंक्स होते हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जांपल ओल्ड मॉन्क रम, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट IMFL है, यानी इंडियन मेड फॉरेन लीकर, जो इंडिया के हिमाचल प्रदेश में मैन्युफैक्चर होता है। अगला टर्म है माइल्ड लीकर। माइल्ड लीकर मतलब ये माइल्ड बियर भी हो सकता है या कोई हार्ड ड्रिंक होता है जिसमें अल्कोहल का 5% का वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो या 8.75% का प्रूफ स्पिरिट है। ये डिटेल्स लीकर का बॉटल का स्टिकर, बाहर का स्टिकर में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट है लाइसेंसेस। महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में लाइसेंस अप्लाई करना है, यहाँ बेसिकली 3 टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं। फॉर्म FL3, जो कि लाइसेंस फॉर सेल एट अ होटल ऑफ इम्पोर्टेड फॉरेन लीकर एंड इंडियन मेड फॉरेन लीकर ऑन विच एक्साइज ड्यूटी हैज़ बीन पेड एट स्पेशल रेट्स। इस लाइसेंस को बड़े प्यार से लोग परमिट रूम लाइसेंस भी कहते हैं। हम आज ये लाइसेंस ऐसे अप्लाई करेंगे, वो देखेंगे। महाराष्ट्र एक्साइज डिपार्टमेंट में और भी ऐसे 2 लाइसेंस हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। फॉर्म FL4 लाइसेंस फॉर सेल एट अ क्लब ऑफ इम्पोर्टेड फॉरेन लीकर एंड इंडियन मेड फॉरेन लीकर ऑन विच एक्साइज ड्यूटी हैज़ बीन पेड एट स्पेशल रेट्स। और दूसरा लाइसेंस है फॉर्म ई लाइसेंस फॉर सेल ऑफ माइल्ड लीकर और वाइन और बोथ ऑन एंड ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ अ होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और क्लब। फॉर्म FL4 क्लब के लिए है। आप प्लीज़ इसको पार्टी वाले क्लब से कन्फ्यूज मत करना, ये क्लब्स वो क्लब्स नहीं है। ये क्लब्स वो क्लब्स है जहाँ पे सेक्रेटरी होता है, चेयरमैन होता है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर गेम्स खेलते हैं, स्विमिंग पूल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर्म ई माइल्ड लीकर के लिए, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको माइल्ड लीकर में इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम फॉर्म FL3 पर कॉन्सनट्रेट करेंगे। इस लाइसेंस में होटल सिर्फ मेंशन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रेस्टोरेंट्स, क्लब्स एंड बाकी एक्टिविटीज़ को भी अप्लाई करता है। बाय द वे, ये बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 का बेयर एक्ट का पोर्शन है। और हाँ, एक फन फैक्ट बताता हूँ। जनवरी 2018 से आज तक, मतलब पिछले 3 साल में, महाराष्ट्र एक्साइज डिपार्टमेंट के पास फॉर्म FL3 का 4,151 एप्लीकेशन आए हैं, जिसमें से सिर्फ 1,501 एप्लीकेशन ही अप्रूव हुआ है। फॉर्म FL4 में 47 एप्लीकेशन आए हैं, जिसमें सिर्फ 3 अप्रूव हुए, और फॉर्म ई में 47 एप्लीकेशन आए जिसमें सिर्फ 8 अप्रूव हुए हैं। इन शॉर्ट, फॉर्म FL4 और फॉर्म ई मिलना बहुत मुश्किल होता है, और FL3 मिलना कंपैरेटिवली इजी होता है, अराउंड 36% का सक्सेस रेट। अगर आपको नया लाइसेंस नहीं लेना है, किसी और का लाइसेंस लेना है, या फिर किसी और का लाइसेंस रेंट पे लेना, तो उसके लिए अलग से प्रोसीजर्स और रूल्स होते हैं जो मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा। उस वीडियो को आप मिस आउट नहीं करना चाहते तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन दबा लेना। वैसे ही यूट्यूब का एनालिटिक्स बताता है कि मेरे 95% से ज़्यादा व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये देख के मुझे काफ़ी बुरा लगता है यार। प्लीज़ टू सब्सक्राइब चैनल।
ज़्यादा हो गया, कट 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 कट। इम्पॉर्टेंट रूल्स, आपके पास एक रेस्टोरेंट, होटल या पब ऑलरेडी होना चाहिए। आपका रेस्टोरेंट, होटल या पब किसी भी एजुकेशन प्लेसेस से, रिलीजियस प्लेसेस से, बस स्टैंड, बस डेपो या महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के प्लेस से या किसी नेशनल पर्सनैलिटी के स्टैचू से मिनिमम 75 मीटर्स दूर होना चाहिए। आपका प्लेस स्टेट हाईवे से या नेशनल हाईवे से आपका प्लेस स्टेट हाईवे से या नेशनल हाईवे से मिनिमम 500 मीटर्स दूर होना चाहिए। अब ये रूल डिपेंड करती है आपके एरिया के पॉपुलेशन के ऊपर। अगर आपका टाउन या विलेज का पॉपुलेशन 20,000 से कम है तो ये लिमिट 250 मीटर्स होगा। अब आता है रिक्वायरमेंट्स की बात। सबसे पहले सर्टिफिकेट्स, अगर आपका एंटिटी ईटिंग लाइसेंस एप्लीकेबल है तो आपको ईटिंग लाइसेंस चाहिए होगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से फॉर्म सी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से फॉर्म डी लाइसेंस चाहिए होगा। ये रेगुलर सर्टिफिकेट्स है जो रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट या बैंक गारंटी 50% ऑफ द लाइसेंस फीस। यह मैं आपको एक टिप दूंगा, आप ले सरकार का वेबसाइट में जाकर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एरिया के तहसीलदार से ऑब्टेन कर सकते हो। और हाँ, लाइसेंस फीस का एक DDB बनाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है वेंडर लाइसेंस। वेंडर लाइसेंस का फीस हमेशा एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। मैंने वेंडर लाइसेंस का फीस स्क्रीन पर मेंशन किया है और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है। ऐसा एक न्यूज़ आया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पैंडमिक के कारण लाइसेंस 50% से कम किया। जिस दिन मैं ये शूट कर रहा उस दिन मुझे इसका ऑफिशियल सर्कुलर नहीं मिला है, तो आप प्लीज़ चेक करने के बाद ही फीस पे करें। नेक्स्ट आता है प्रीमाइसेस के डिटेल्स। अगर आपका ओनरशिप है प्रीमाइसेस तो आपको प्रॉपर्टी का 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड चाहिए होता है। अगर आपका भाड़े की प्रॉपर्टी है तो आपको एडिशनली ओनर का NOC और रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट चाहिए होता है। और एडिशनली प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। प्रॉपर्टी का डिटेल प्लान, लोकेशन, साइट प्लान, बाउंड्रीज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऑफ द प्रीमाइसेस, लोकेशन, स्केड्यूल ऑफ एरिया चाहिए होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो और कोई डिटेल्स नहीं चाहिए होगा, लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है या LLP है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड या LLP डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। अगर आपका पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म 32 सारे डायरेक्टर्स से, रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और लास्ट में कंपनी का AOA और MOA चाहिए होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है एप्लीकेशन का। हम पहले महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आपको लॉगिन करना है। अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको पहले आपले सरकार का लिंक में जाकर आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है और ये बहुत ही ईजी है। यहाँ आने के बाद आपको डैशबोर्ड से FL3 का लाइसेंस को चूज़ करना है। ये फॉर्म आपको भरना है, ये काफ़ी सिंपल है। और नेक्स्ट पेज में आपको आपका फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। अगर फ़ोटो या सिग्नेचर साइज मैच नहीं होता तो आप ये ऑप्शन चूज़ करके उसको रिसाइज करना। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को जो हमने डिस्कस किया है वो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। सबमिट होने के बाद इसके बाद आपको एक मैसेज आएगा ये वाला, उसके बाद आपको 24 रुपीज़ पे करना है। ये पे करने के बाद महाकोश के इस लिंक में आपको जाना है। ये लिंक कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ आपको एक्साइज का ऑप्शन चूज़ करना है और आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। ये चलाने का डिटेल्स मैंने स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। ये पे करने के बाद आपको चलान का डिटेल्स अपलोड करना है महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, आपका जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे। ये रिक्वेस्ट अपलोड होने के बाद महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की एक कमेटी होती है, वो कमेटी आपके रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे और हो सकता है एक्साइज ऑफिसर्स आपके रेस्टोरेंट या आपके जो प्लेस में विजिट करें और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो बिंदास नीचे कमेंट कीजिएगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम ID में भी पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत।